का हमारे साथ हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी कैनफिन होम्स जुड़ गई है। 1987 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत हाउसिंग लोन मुहैया कराने का कामकाज कंपनी का, आपको बता दें 1991 में कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखी। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंपनी के MD और CEO गिरीश कोसगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की अगर बात करें, फिलहाल आपको स्थिति कैसी लग रही है, कहां पर आपको ग्रोथ फैक्टर्स नजर आ रहे हैं और चैलेंजेस फिलहाल कहां देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रन है एंड ये और 4-5 साल कंटिन्यू होगा। ये लास्ट ईयर कोविड के बाद अक्टूबर से डिमांड बहुत अच्छा पिकअप हुआ और Q4 एंड Q1, Q2, Q3 अभी तक नो, इसमें Q1 ऑफ दिस ईयर थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कोविड सेकेंड वेव था, नहीं तो आई थिंक सिंस लास्ट अक्टूबर बहुत अच्छा है। डिमांड अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस सेगमेंट्स, सब जगह से डिमांड आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अभी भी लो है एंड अफोर्डेबिलिटी इज हाई। रियल एस्टेट मार्केट नो हैज रिवाइव्ड एंड ये और चांद 4-5 ईयर्स नो ये ट्रेंड रहेगा। सो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है और इंटरेस्ट तो अभी बढ़ेगा अगले 1-2 क्वार्टर में और अगले 1.5 साल में 100 बिप्स तक इंक्रीज हो सकता है। वो अच्छा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्जिन्स एक्सपेंड होगा। सो ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, NBFC के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ने की वजह से अच्छा ही होगा। अभी चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस था नो आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग, अभी रिस्ट्रक्चरिंग सेटल हो गया और NPA का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ नो, मैं इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। सो चैलेंजेस मतलब अभी थोड़ा रेट बढ़ सकते और कंपटीशन फिर से वापस आ गया तो बैंक से, अभी कंपटीशन थोड़ा कम है बैंक से क्योंकि कोविड टाइम पे बहुत ज्यादा था। आगे नो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा मुश्किल हो सकते, नहीं तो नो चैलेंज ऐसा कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए नहीं है। ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर कोसगे, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपसे जेन्युइन क्रेडिट पॉलिसी के दिन जरूर एक टेक लेते हैं। प्रियंका यार, मिस्टर कोसगे, आपने अभी खुद ही हाईलाइट किया NPAs आपके कम हुए, आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि आपका मेजर पोर्टफोलियो लगभग 90% तो हाउसिंग एरिया में है। ऐसे में NPAs कम होने एक बड़ा साइन भी है और हम जिस तरह के अपडेट्स देख भी रहे हैं, बिजनेस अपडेट्स देख भी रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप बैंक्स के, वो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये NPAs कम किस वजह से हुए हैं, बड़े रीजंस क्या हैं? एक्चुअली लास्ट 8 क्वार्टर्स में NPAs कम हो रहा है। कोविड टाइम पे थोड़ा बढ़ा था बट उसके बाद नो लास्ट 4 क्वार्टर्स टिल Q3 तक, क्योंकि अभी वी आर इन साइलेंट पीरियड, Q4 बात नहीं कर सकता हूँ, टिल Q3 आप देखो तो NPA एवरी क्वार्टर गिर रहा है क्योंकि हमारा पहला फोकस है पोर्टफोलियो के ऊपर। सो कोविड तब चालू हुआ, लास्ट ईयर Q1 Q2 इम्पैक्ट हुआ, वो टाइम पे हम लोग पूरा बुक के ऊपर पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस किया। वी फोकस्ड ऑन कस्टमर एजुकेशन टू चूज नो राइट मॉरेटोरियम ऑप्शन। सो पहले से हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर है, इसलिए वी एबल टू ब्रिंग डाउन NPA। अभी तक नो NPA हमारा गिर रहा है, लास्ट 2 साल का पहले जितना था अभी कितना है, पूरा गिर रहा है। सो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, NPA विल बी स्टेबल अगले फ्यू क्वार्टर्स तक, NPA स्टेबल होगा। अभी ग्रोथ भी वापस आ गया, बुक भी बढ़ रहे, डिसबर्समेंट बढ़ रहे। लास्ट क्वार्टर हमारा 17 क्वार्टर का ऑल टाइम हाई बुक ग्रोथ था और डिसबर्समेंट हमारा लास्ट 4 क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स ऑल टाइम हाई एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कैनफिन था। सो अभी मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, NPA स्टेबल रहेगा। बोथ दोनों मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग, वो दोनों का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ। एक्चुअली इट इज हेल्प द सिस्टम और कस्टमर के लिए थोड़ा टाइम मिला टू ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंसेस, अभी पे करना चालू कर दिया। सो NPA स्टेबल रहेगा। ओके, स्टेबल NPAs के यहाँ पर पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। मिस्टर कोसगे, ऑफ कोर्स जिस तरह से हम फंडामेंटल्स और आपके कारोबार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ आपका एक टेक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आउटकम पर भी समझना चाहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो इस हफ्ते फोकस में ज़रूर रहेगी और ब्याज दरों का, इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ ओवर दी स्पेस आपके सेक्टर पर, कारोबार पर कैसा देख रहे हैं आप, स्टांस क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत है, लास्ट टाइम भी था, दिस टाइम भी है और रेट तो बढ़ने वाला है।
अभी ये एमपीसी में होगा, अगले एमपीसी में होगा मेरे को पता नहीं, बट रेट तो बढ़ेगा. इफ नॉट नाउ आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग पे दे माइट इंक्रीज, रेट तो बढ़ेगा एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू ऑब्जर्व दैट बिकॉज द ट्रेंड अभी चेंज हो गया. इंटरेस्ट रेट विल गेट इन टू इंक्रीजिंग ट्रेंड, बट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा इन नेक्स्ट 18 मंथ्स में. शायद 100 टू 125 बिप्स इंक्रीज हो सकते हैं. आई थिंक दैट इज क्वाइट यू नो ओके फॉर अस टू ऑब्जर्व. श्योर मिस्टर कौसगी, जहाँ पर हम कंपनी को, स्ट्रक्चर को, सेगमेंट को भी समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की स्थिति फिलहाल क्या नज़र आ रही है? क्या वहाँ पर कोई सिचुएशन जो पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज़्यादा फोकस था वो कम होता हुआ दिखा, और आपके कारोबार पर पर्टिकुलरली अगर बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग पर कितना फोकस आप जमा रहे हैं? एक्चुअली हमारा फोकस अफोर्डेबल के ऊपर चेंज नहीं हुआ. आ फोकस इज लार्जली ऑन अफोर्डेबल. हमारा पोर्टफोलियो मिक्स सॉलिड 70 और एसीएनपी 30 था 2 साल पहले. कोविड चालू होने की वजह से एसीएनपी का थोड़ा कम हो गया, ये 12% तक गिर गया. सो फ्रॉम 30% वो 12 तक गिर गया. धीरे धीरे वो अभी बढ़ रहे हैं, अभी 26% है एसीएनपी. अगले एक दो क्वार्टर में वो 70-30 मिक्स आ जाएगा सैलरी और एसीएनपी. डिमांड अफोर्डेबल स्पेस में बहुत रोबस्ट है. एंड टॉपिंग दैट बिल्डर सेगमेंट इन मिड साइज सिटीज एंड बिग सिटीज वो भी अभी बढ़ गया. एक एक थोड़ा चैलेंज है, अभी कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं एंड बिल्डर्स रेट्स अभी बढ़ा रहे, वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं. बट हमारा जो पोर्टफोलियो लेवल पे बिल्डर का पोर्टफोलियो 25% है. 75% इज नो प्लॉट सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्पोजिट लोन्स. सो कैंफिन को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट आई थिंक ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ेगा एंड इम्पैक्ट भी होगा बट थोड़ा कम होगा. बट डिमांड अक्रॉस ज्योग्राफी, अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस सिटीज है. एंड हमारा फोकस अफोर्डेबल के ऊपर था, रहेगा, और आई थिंक वी विल नॉट चेंज फ्रॉम दैट यू नो फोकस ऑन अफोर्डेबल. All right. Thank you so much, Mr. Kosky, for this analysis and with this views. We will take your reaction once the policy meet is over. इसके साथ एक बार फिर से मार्केट्स पर रुक करते हैं. कैनफिन होम्स